अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे बकरीद की क्लिप्स जो मेरे फ़ोन में थी, सो आई डिसाइडेड टू शेयर ऑन यूट्यूब। सो जो ये वीडियोस हैं ये बहुत ही ओल्ड वीडियोस हैं, मींस 3 महीने पहले की हैं, 2 महीने पहले जब बकरीद थी तब की। तो एक दिन पहले हम लोग अपने गांव गए थे, तो वेदर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वेदर था और सनसेट का टाइम था और बहुत ही खूबसूरत कलर था, क्लाउड और जो कुछ भी था बहुत अच्छा लग रहा था, ट्रीज़ बिल्कुल। शाम का टाइम हो चुका था और उसके बाद जो है हम लोग एक दिन पहले गांव गए और रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते। फिर नेक्स्ट डे हम लोग ने बकरीद के एक दिन पहले जाके थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की जिससे काम थोड़ा इजी हो जाए। तो हम लोग ने बकरीद के एक दिन पहले ही ये गार्लिक है, गार्लिक को भिगो के रख दिया था, ईजिली पील हो जाता है, और ये जिंजर है, और इन दोनों का पेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी था जिससे नेक्स्ट डे ईज़िली काम हो जाए। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए मैंने गार्लिक को भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, उसके बाद छिलका इजीली निकल जाता है, और जिंजर भी मैंने छील के ऐसे मोटे मोटे टुकड़े में कट कर लिया था जिसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो एक पेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये सब मैंने रेडी कर लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ और चीज़ें भी छोटी मोटी की थी, जैसे हरे जितने भी धनिया पुदीना और मिर्ची होते हैं वो सब भी प्रिपेयर किया था। तो ये मिर्ची है, मैंने धुल के ऐसे रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। फिर जो इसके स्टेम है, मीन्स पीछे जो मिर्ची का पीछे का होता है, उसको आप तोड़ दें, यानी रिमूव कर दिया मैंने, और इस तरीके से मिर्ची को अलग कर लेंगे। तो इसी तरह मैं सारी मिर्ची कर लूँगी और उसको टॉवल पर सुखा लूँगी। तो मैंने मिर्ची निकाल के टॉवल पे ही इस तरीके से फैला लिया और सुखा लिया ताकि इसमें कोई मॉइस्चर या वाटर ना हो। अब इसे मैंने साइड में निकाल लिया। इसके अलावा लेमन था, धनिया है, पुदीना है, इन सब को मैंने वॉश कर लिया। तो सबसे पहले ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको धुल के पुदीने के पत्तों को मैंने तोड़ के अलग कर लिया था। तो ये पुदीने का पत्ता मैंने निकाल लिया है उसी सेम बास्केट में, और इसमें जो है धुलने के बाद सारा पानी एक्स्ट्रा नीचे से गिर जाता है, और उसके बाद इसे भी सेम उसी तरीके से मैंने बास्केट में निकाला जब पानी झड़ गया, और इसको टॉवल पे सुखा लिया था मैंने इसे भी। और सुखाने के बाद इसको भी मैं इसमें अभी रख दे रही हूँ, जिसको मैं बाद में कंटेनर में भर के फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो इसको जो है ना ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, ग्रीन कलर इसका ख़राब नहीं होता, वरना जो धनिया वगैरह है वो पीले पड़ने लगती हैं। धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना मैं सब इसी तरह रख ली। तो एक डब्बे में मैंने धनिया और हरी मिर्ची रख ली, और पुदीना मैंने अलग डब्बे पे रख लिया था, ये देखिए। तो अब मैं डब्बा लगा के इसको फ्रिज में रख दूँगी, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिया। तो ये हो गया धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची का डब्बा, और जिंजर गार्लिक भी मैंने, ये देखिए, इतना पेस्ट रेडी हो गया है जो बकरीद के दिन के लिए काफ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 2 कुर्बानियाँ हुई, मेरे चाचा लोगों ने करवाई। हमारे यहाँ 3रे दिन होती है, पहले दिन मेरे चाचा लोग करवाते हैं, और गाँव में बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक की कुर्बानी नहीं हुई थी तो नाश्ता बनाना हुआ, तो हम सब ने नाश्ता बनाया था। तो मैं, हम लोग ने थोड़ा सा ब्रेड और एग वाला जो सैंडविच बनाई थी, और साथ में बनाई थी मैगी। तो मैंने धनिया, टमाटर और प्याज, हरी मिर्ची सब डाल करके इसमें मैंने एग डाला, उसके बाद मैंने इसको ब्रेड इसके ऊपर रख दिया ताकि ब्रेड इसमें हल्का सा स्टिक हो जाए। उसके बाद इसको मैंने सेक लिया दोनों साइड, और उसके बाद ये सैंडविच बनके तैयार हो गई। और साथ में हम लोगों ने अपने लोग के लिए मैगी बनाई थी, बड़ों को हम लोगों ने सैंडविच दे दी थी, और हम जितनी भी हम कज़िन्स थे हम लोगों ने मैगी खाई थी। तो मैगी भी मैंने सिंपल बनाई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल, मैंने टमाटर और प्याज डाल के मैंने मैगी को बनाई थी। नाश्ता करना था तो हम लोगों ने नाश्ता तो 7 से 8 बजे के करीब हम सब ने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि गांव में सब जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। तो उसके बाद कुर्बानी होने में काफ़ी टाइम लग गया, मींस 12 बज गए थे, तो इसलिए हम लोग नाश्ता पहले ही कर लिए थे।
तो उसके बाद हम लोग ने नाश्ता डन करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी कलेजी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि फिर जो सारे जेंट्स होते हैं घर के, मीन्स मेरे चाचा और सभी लोग घर में, तो वो लोग इसी से नाश्ता करते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया था लाल मिर्ची, क्योंकि दो बकरे का हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मसाले लिए थे कलेजी के। तो उसके लिए मैंने दो बड़े चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया था, और क्योंकि मैं हरी मिर्च डालूंगी आगे, और हल्दी ले ली थी मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 चम्मच मैंने अभी नमक लिया है, और अगर कम या ज़्यादा हो तो बाद में मैं ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैंने गरम मसाला लिया था, क्योंकि ये होम मेड है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी यहाँ 1.5 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला। इससे जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है नॉन वेज में। और उसके बाद मैंने धनिया पाउडर डाला, तो धनिया पाउडर थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूँगी, जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला था, तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे भर के डाल दिया है, और यानी 2 टेबल स्पून है, और छोटे चम्मच से 3 चम्मच ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो अब इसमें मैंने पानी डाल के इसको घोल करके रख दिया, और ये कुर्बानी से पहले ही हम लोग ने कर दिया था ताकि मसाला रेडी रहे और जब कलेजी मिले तो हम लोग उसे अच्छे से वॉश करके डाल दें। तो इसको भी बहुत टाइम लगता है अनियंस को कुक करने में, इसलिए हम लोग ने पहले से स्टार्ट कर दिया था। तो अब लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि नॉनवेज का जो फ्लेवर है वो मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छा आता है, स्पेशली मटन वगैरह, तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और ऑयल को जब मैंने गर्म कर लिया, और जब ऑयल गर्म हो गया तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी अनियंस। तो अनियंस आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा अनियन यूज़ किया है यहाँ पर, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा प्याज में बना रही हूँ, मसालों से ज़्यादा मैंने प्याज रखा है। तो इसको कुक करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसको लगातार मैंने बीच बीच में चलाया भी है, प्याज किस तरीके से बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इसी तरह इसको भूनते रहना है, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है अनियंस कुक करना, तो इसको काफ़ी टाइम लगा है कुक होने में, और इससे ये हुआ कि टाइम भी बच गया और स्टार्टिंग में ही मसाला मैंने रेडी कर लिया था। तो ये धीरे धीरे अनियंस हो गए, यहाँ मसाला भी रेडी है। जब प्याज इस तरीके से मेरा गोल्डन हो गया और सॉफ्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए थे। आप देख सकते हैं प्याज के अकॉर्डिंग जो मेरे मसाले थे वो मैंने काफ़ी कम यूज़ किए थे, और मिर्ची मैंने थोड़ी ज़्यादा यूज़ की थी, क्योंकि एंड में मैं हरी मिर्ची मैंने डाली थी। तो आप लोग तीखा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, और उसके बाद मसाले डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से अनियन में भुनेंगे, और उसी सेम बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके मैं डाल दे रही हूँ, तो इससे जो मसाला है उसे हेल्प हो जाती है जल्दी और क्रीमी कुक होने में, इससे जो मसाला ड्राई नहीं होता है। और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे बीच में बॉटम तक, ताकि जो मसाले हैं वो भुने ना। और साथ में मैंने इसमें 3-4 तेज़पत्ते डाल दिए हैं इस तरीके से, और उसके बाद इसको भी मैंने मिक्स करके चला लिया। अब मसाले भी जब भुनने लगेंगे, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो ये देखिए मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है, और तो अभी इस स्टेज पे मैं जो है इसमें 3 टमाटर लिया है मैंने, और साथ में लिया है मैंने 10 से 12 हरी मिर्ची, जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी काट के। टमाटर मैंने काट ली, हरी मिर्ची मैंने ऐसे ही होल डाल दी है, मींस मैंने कट वट नहीं लगाए थे, सिंपल डाल दिया था, इससे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होगा। तो उसको भी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इसको भून लेंगे, और तब तक भुनेंगे जब तक कि ऑयल अच्छे से ऊपर ना आ जाए। तो मैंने लिड लगा के लो फ्लेम पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए कलेजी रेडी है, कलेजी के साथ हम लोग ने इसमें फेफड़ा भी बनाया था साथ में, तो मेरे यहाँ डाल के बनती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली कलेक्ट होती है नाश्ते के टाइम पे, तो मेरी सारी आंटीज़ और सब लोग आते हैं अपने फैमिली के साथ, और सब लोग इन्जॉय करते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए साथ में हम लोग डालते हैं। और उसके बाद मैंने ये जो लंग एंड किडनी दोनों चीज़ मैंने डाल दी है, और उसके बाद इसको अच्छे से भुनेंगे। अब
जो मसाला रेडी है, तो बस इसे इतना कुक करना है कि जो हमारी जो कलेजी है वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। तो उसको चलाते रहेंगे और चलाने के बाद इसमें अब मैंने मिक्स कर दिया मसालों में, तो आप देख सकते हैं ओवर मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद इसमें लिड लगा देंगे और लिड लगा के इसको आधे घंटे मैंने कुक किया। आधे घंटे के बाद आप इसे लिड हटाएं और इसको थोड़ा सा खोल के भुनाई करें 15 मिनट और खोल के 15 मिनट मैंने पकाया, तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे और ये कुक हो गए। आप देखिए ऑयल ऊपर आ गया। तो बस इसी वक्त मैंने इसमें ढेर सारा कटा हुआ हरी धनिया जो कि मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखा था, और साथ में पुदीने का पत्ता मैंने ढेर सारा इसके अंदर डाल दिया। और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बनके बिल्कुल तैयार है नाश्ता। इसके साथ हम लोग ने सर्व की थी ये तंदूरी रोटी जो गांव में बहुत ही औसम बनती है, बिल्कुल ताज़ी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो रोटी बनाना तो बिल्कुल भी घर में पॉसिबल नहीं था, तो ये हम लोग ने मंगाई थी जो कि बेस्ट था। तो मेरी बकरीद का ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।